आगे बढ़ेंगे खबर कानपुर से। कानपुर के लाल बंगले के सबसे बड़े कपड़े व्यापारी के घर में लाखों की लूट हुई है। आरोप है कि दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे चोर 35 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। आरोप है कि चोर गहनों के साथ 70,000 की नकदी लेकर भी फरार हुए हैं। चोरी की अब यह घटना घर में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह सीसीटीवी फुटेज में भी ये तस्वीरें साफ देखी गई हैं कि चोर किस तरह आसानी से घर के अंदर घुस जाते हैं और लाखों के गहने लेकर वहां से फरार हो गए। कुछ नकदी भी इन्होंने घर से चोरी की है। ये तस्वीरें जहां एक व्यक्ति घर के बाहर पहरेदारी कर रहा है कि कोई आए ना, और एक चोर अंदर दाखिल हो चुका है जिसने व्यापारी के घर पर 35 लाख रुपए के गहने लूटे हैं, कैश भी लूटा है। और फिलहाल इस मामले में अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब एक बड़ी खबर महोबा से, जहां लापता बच्चे का शव मिला है। घर के पास तालाब में मासूम का शव मिला है। बच्चे की उम्र महज 7 साल है। शव जब पानी के ऊपर आया तो गांव में हड़कंप मच गया। गोताखोरों ने सुबह 7 बजे बच्चे का शव निकाला। महोबा के चरखारी कोतवाली कस्बा के कोठी ताल का ये मामला है, जहां अब परिवार में कोहराम है। गोताखोरों ने सुबह 7 बजे शव बाहर निकाला। चरखारी कोतवाली कस्बा के कोठी ताल का ये मामला, जहां 7 बजे बच्चे का जैसे ही शव ऊपर पानी पे तैरता हुआ देखा गया, परिवार के लोगों को सूचना दी गई और परिवार के लोगों का इस वक्त रो रोकर बुरा हाल है। बढ़ेंगे आगे, एक हादसे की खबर है। सहारनपुर में बीच सड़क पर धू धू कर एक ट्रक जल गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। देवबंद में रेलवे की ओवरहेड वायर के संपर्क में यह ट्रक आ गया था। कासिमपुर रेलवे फाटक के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक चालक ने आनन फानन में कूद कर अपनी जान बचाई। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह धू धू कर ये ट्रक जलने लगा। फायर ब्रिगेड के सहारे अब आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर ने आग लगते ही ट्रक से कूद कर अपनी जान बचा ली। बीच सड़क पर धू धू कर ये ट्रक चलता रहा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। और अब एक बड़ी खबर हरदोई से, जहां नवीन फल मंडी के बाहर लखनऊ शाहजहांपुर स्टेट हाईवे को फल व्यापारियों ने जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर यहां पहुंची पुलिस ने बल का प्रयोग कर व्यापारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई व्यापारी गिर गए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट की माने तो व्यापारी सड़क पर अव्यवस्था फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क जाम करने वाले व्यापारियों की पहचान कर ली गई है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरें जब व्यापारियों का झुंड यहाँ इकट्ठा हो गया, पुलिस को उसकी सूचना मिली। पुलिस ने यहाँ हल्के बल का प्रयोग किया, लोगों को खदेड़ दिया यहां से। हरदोई में फल व्यापारियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने भी ये कार्रवाई की और फिलहाल कुछ हुड़दंग मचाने वाले लोगों की पहचान भी की गई है और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। ये दो तस्वीरें जहां फल व्यापारियों को सड़क जाम करना भारी पड़ा, पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ दिया। लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, पहले इनसे बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन जब ये नहीं हटे तो पुलिस ने यहां लाठी भांजनी शुरू की। उन्नाव में आरोपी युवक ने महिला के घर पर पथराव किया है। युवक ने महिला के घर पर पथराव किया और कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आई, जहां पत्थरबाजी और मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। मंदिर में बैठे युवक की अभद्रता का महिला ने विरोध किया था और पथराव के साथ साथ लाठी डंडे भी इस दौरान चलने लगे। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के महतवानी गांव की ये घटना है। तस्वीरें जहां पत्थरबाजी हुई है, मंदिर में बैठे युवक की अभद्रता का महिला ने विरोध किया था, जिसके बाद ये पथराव और लाठी डंडे चलने की तस्वीरें सामने आई। उन्नाव में आरोपी युवक ने यहां महिला पर पथराव किया और उसके बाद देखिए आरोपी युवक ने महिला के घर पर किस तरह से पथराव कर दिया। युवक ने महिला के घर पर पथराव जो किया, उसकी तस्वीरें अब कैमरे में कैद हो चुकी हैं। आरोपी युवक ने महिला के घर पर काफी देर तक इसी तरह हुड़दंग मचाया। लखनऊ में घर में घुसकर मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां दबंगों ने मारपीट का वीडियो
जो इनका है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर लात घूंसों और डंडे से पीटा है। मामूली कहा सुनी पर दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ के खदरा इलाके की ये घटना है। दबंगों ने किस तरह परिवार के लोगों को बुरी तरह पीटा, देखिए किस तरह घर के अंदर कुछ लोग खड़े हुए थे, बाहर से कुछ दबंग आते हैं और परिवार के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इनके बीच एक मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसी के चलते ये मारपीट की गई है। लिटा लिटा कर इस व्यक्ति को पीटा गया। दबंगों की मारपीट का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में आज तेलंगाना से सीएम केसीआर और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। केसीआर की पार्टी बीआरएस के दफ्तर का आज दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि केसीआर की पार्टी का नाम टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर अब बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति हो गया है और इसी से जुड़ा ये कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली में केसीआर के साथ अखिलेश यादव की ये तस्वीरें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान किस बात को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई, इस पर फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली दौरे पे हैं और दिल्ली दौरे पे आके वो टीआरएस के कार्यालय पे पहुंचे हैं। टीआरएस के कार्यालय में इसलिए पहुंचे क्योंकि टीआरएस जो कि तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम से पार्टी है, आज उसका नाम बदला गया है और टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस किया गया है, भारत राष्ट्र समिति। और नजर है केसीआर की पूरे भारत भर में और चुनाव लड़ना चाहते हैं पूरे देश भर में। इसीलिए अगर आप देखिए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव निकल रहे हैं, यहाँ पे समर्थकों का भारी हुजूम है। वो खुद केसीआर की गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ के अखिलेश यादव अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया है, टीआरएस के बजाय अब बीआरएस कर दिया है। और नजर है 2024 के लोकसभा चुनावों में, आप पोस्टर भी देख सकते हैं कि लिखा है अब की बार केसीआर सरकार और इसके साथ साथ लिखा गया केसीआर आई ऑन 2024, यानी कि 2024 में केसीआर की नजर है और इसके साथ साथ अब की बार किसान सरकार का भी नारा यहां से लगाया जा रहा है। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से बड़ा किसान आंदोलन चला था और उसके बाद अगर बात करें तो किसानों को साथ लेकर के विपक्षी नेताओं को साथ लेकर के एक सरकार बनाने की कोशिश है 2024 में कि सभी विपक्षी दल साथ में चुनाव लड़े और उसी प्रक्रिया में आज चूंकि नजर है सभी की 2024 में। और अखिलेश यादव ने भी दो दिन पहले अपने एक बयान में कहा था कि ममता बनर्जी केसीआर नीतीश कुमार ये सब मिलकर विपक्षी एकता बना रहे हैं और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को शासन से हटाएंगे। देखने वाली बात ही महत्वपूर्ण होगी कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम तर नेता एकजुट हो रहे हैं तो कैसे ये 2024 में चुनाव लड़ते हैं और किस तरीके से आगे इनकी रणनीति रहती है बीजेपी को हटाने की। कैप्टन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। निकाय चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने दम पर लड़ेंगे निकाय चुनाव। ओम प्रकाश राजभर ने निकाय चुनाव को लेकर ये बयान दिया है, निकाय चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर का ये दावा, हम पहले भी चुनाव लड़े हैं, पार्टी छोड़कर गए लोग दूर नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने बात कही, शिवपाल और अखिलेश यादव कभी अलग नहीं थे। ओम प्रकाश राजभर ने ये बातें कही। निकाय चुनाव की गहमा गहमी जारी है और सुभाषपा नेता इसी बीच काशी में पहुंच गए हैं, तो तैयारी कैसी? कि निकाय चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा पूरी कर ली गई है। लगभग प्रत्याशियों से आवेदन करा लिए हैं हर ज़िले में लोग। अब इधर हाई कोर्ट में आरक्षण को लेकर मुकदमा दायर हुआ है तो कोर्ट ने थोड़ा तारीख का ऐलान करने पे रोक लगाई है, तो जो ऐलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सवाल ये है नेताजी कि अकेले दम पे या किसी को साथ जोड़ के? नहीं, अकेले अपने दम पे, पूरी तरह से, पूरी तरह से। हम लोग देखिए अकेले लड़ते रहे तो बलिया में हम लोग दो नगर पंचायत जीतते थे, देवरिया में हम लार जीत जाते रहे, हम 6 से 7 नगर पंचायत अपने दम पर अकेले जीत जाते हैं। इस बार जो नए परसीमन हुए हैं इस बार वो संख्या काफ़ी बढ़ेगी। जो मोती बिखरे हैं मालाओं के उसको बांधेंगे?
मेरा सवाल शशि प्रताप को लेकर है, मेरा सवाल जो मऊ के लोग टूटे उनको लेकर है, मेरा सवाल पूर्वांचल में जिस तरह से आपके अपने आप से दूर हुए उसे लेकर है। देखिए हमसे कोई दूर नहीं है, हमसे कोई दूर नहीं है। देखिए होता क्या है, परिवार के लोग हैं, परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो दूर चला जाता है और फिर जा करके फिर धीरे 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 लौट के आता है। कहीं ये जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन पे लोग चढ़ते हैं, जाकर अगला स्टेशन उतर गए, फिर दूसरे दिन ज़रूरत पड़ी तो भी चढ़ गए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पार्टी एक विचारधारा है। खबर सहारनपुर से, सहारनपुर के छत्ता जम्बूदास इलाके में भरभराकर एक मकान गिर गया। जर्जर इमारत के भरभराकर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। जर्जर इमारत के नीचे खड़े कई वाहन मलबे में दब गए। ये तस्वीरें जहां आसपास खड़े लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। जर्जर मकान में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान यह हादसा हुआ। रायसा हादसे में किसी के घायल होने की तो खबर नहीं, लेकिन इसके आसपास जो वाहन खड़े हुए थे वो जरूर इसकी चपेट में आए। और आसपास काफी बाकी घर भी हैं, लोग भी दिख रहे हैं। वहां से तुरंत लोगों ने भागकर दूरी बनाई इस जर्जर मकान से। बताया जा रहा है कि जर्जर मकान में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। जर्जर इमारत के नीचे खड़े लोग भी इसके शिकार हो सकते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। बढ़ेंगे आगे। अगले साल आगरा में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। आगरा को सजाने की तैयारी की जा रही है। अन्य विभागों की मदद से ताजमहल के आसपास के इलाकों के रेनोवेशन के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किसी तरह की कोई कमी ना रहे इस पर अधिकारी पूरी तरह से संतुष्टि कर लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि प्रशासन की तैयारियां शुरू हो चुकी। G20 समिट से जुड़ी कई सारी मीटिंग आगरा में भी प्रस्तावित है और इसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष ताजमहल भी देखने आ सकते हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां आगरा प्रशासन कर रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी नवनीत चहल जी है। सर, क्योंकि एक देश के लिए गौरव की बात है और आगरा प्रशासन के लिए एक तरह से कहा जाए काफ़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तो किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें शुरू हो गई इस G20 समिट को स्मूथ बनाने? देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि G20 की जो चेयर है इस वर्ष भारत के पास है, और इस दौरान विभिन्न कॉन्क्लेव्स विभिन्न मीटिंग्स भारत में विभिन्न शहरों में होगी। आगरा एक हमारे देश का प्रमुख शहर है और आगरा में भी मीटिंग्स होनी प्रस्तावित हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीटिंग्स चाहे वो डेलीगेट लेवल की हैं चाहे मिनिस्ट्रियल लेवल की है, उनकी तैयारियाँ जो हैं वो आगरा शहर में शुरू हो गई हैं। उसके लिए एक वृहद एक कार्ययोजना बनाई जा रही है। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के साथ इस संबंध में बैठक हुई है और उनको उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो काम है उन्हें करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जो हमारी रोड्स हैं, जो हमारे ब्यूटिफिकेशन या रेनोवेशन के काम हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारे वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल है, आगरा फोर्ट है या फतेहपुर सीकरी है, इन सभी की जो रेनोवेशन का कार्य चल रहा है वो उसकी प्रगति अच्छी रहे और एक अच्छा लुक एंड फील शहर का रहे, उसके लिए प्रशासन के साथ साथ नगर निगम, PWD डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट इत्यादि सभी विभाग मिलजुल कर काम, विभागों का समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सर, भारत सरकार के भी तमाम ऑफिसर्स की विजिट शुरू हो गई है, इसके साथ ही राज्य सरकार के भी, सुरक्षा एजेंसियों के भी जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार विजिट कर रहे हैं, तो किस तरह से सर चल रहा है और डेवलपमेंट्स वर्क और रेनोवेशन वर्क ये कब तक पूरे हो जाएंगे? देखिए डेवलपमेंटल वर्क्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हें और गति से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन के जो काम हैं उन्हें भी तेज़ी से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उनसे जुड़े हुए तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, तमाम बड़े ऑफिसर्स हैं, वो भी आगरा पहुँचेंगे, तो इसके लिए जो ताजमहल से लगता हुआ जो इलाका है खासकर वहाँ की जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसमें ब्यूटिफिकेशन रेनोवेशन का जो काम है उसमें जल्द ही कहा जाए उसको वो दिखता हुआ नज़र आएगा। काम में प्रगति आ चुकी है और जिलाधिकारी आगरा लगातार इस पूरे विकास संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर बाराबंकी से मिल रही है, जहां यात्रियों से भरी हुई बस में आग लगने की सूचना है। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। संत कबीर नगर से लखनऊ ये बस जा रही थी, दमकल के सहारे अब आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें, आग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाराबंकी में यात्रियों से भरी हुई ये बस
जो कि आग की चपेट में आ गई। आग लगने से यात्रियों में लाजमी है अफरा तफरी का माहौल बन गया। संत कबीर नगर से लखनऊ की तरफ ये बस जा रही थी और इसी दौरान इसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल के सहारे आग पर काबू पा लिया गया है। कोई इससे जल्दी बस की चपेट में नहीं आया, समय रहते सभी यात्री बस से नीचे उतर गए। ये तस्वीरें बाराबंकी से सामने आई हैं, जहां ये हादसा हुआ, एक बस आग की चपेट में आ गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।